अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, इसमें बेसिकली मैं आपके साथ FIA ASI के क्वेश्चन जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ। ये टेस्ट जो है कल कंडक्ट किया गया था, तो चलें वक्त ज़ाया किए बिना हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर दें। तो क्वेश्चन नंबर 1 था, द मीनिंग ऑफ बकरा इज, तो ऑप्शन जो गिवन थी, ऑप्शन ए ऑक्स, गोट, काउ, शीप। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था आंसर सी, काउ। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो था वो था, विच की ऑन कीबोर्ड कैन बी यूज टू व्यू स्लाइड शो, कीबोर्ड के ऊपर कौन सी ऐसी की होती है जिसे हम यूज करके स्लाइड शो को जो है वो देख सकते हैं। तो ऑप्शंस गिवन थी F1, F2, F4, F5। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन डी, F5 की कैन बी यूज टू सी स्लाइड शो व्यू। क्वेश्चन नंबर 3 था, वास्कट डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर ऑफ, ऑप्शंस गिवन थी इंडस, जेलम, काबुल, कुरंग। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन सी, काबुल। क्वेश्चन नंबर 4 था, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स, तो ऑप्शंस गिवन थी कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस एच, कंट्रोल प्लस एम, एंड दो दफा कंट्रोल प्लस एम आ गया, तो ये ऑप्शंस गिवन थी। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी, कंट्रोल प्लस एच जो है वो शॉर्टकट की है जो हम फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स के लिए जो है वो यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4-5 था, इमाम मुस्लिम वाज बॉर्न इन, इमाम मुस्लिम जो है वो कब पैदा हुए थे, ऑप्शन गिवन थी 1817 AD, 1819 AD, 1821 AD, 1823 AD। तो जो इसका राइट आंसर था वो था ऑप्शन ए, 1817 AD। क्वेश्चन नंबर 6 था, Which of the following views is the best view to use when setting transition effects for all slides in a presentation? तो ऑप्शन गिवन थी नोट्स पेज व्यू, आउटलाइन व्यू, स्लाइड व्यू एंड स्लाइड सॉर्टर व्यू। तो जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन डी, स्लाइड सॉर्टर व्यू। क्वेश्चन नंबर 7 था, हु वाज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के दूसरे प्राइम मिनिस्टर जो है वो कौन थे, ऑप्शन गिवन थी चौधरी मोहम्मद अली, लियाकत अली खान, फिरोज खान, ख्वाजा नजमुद्दीन। तो जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन डी, ख्वाजा नजमुद्दीन जो है वो दूसरे प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के। क्वेश्चन नंबर 8 था, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू इंसर्ट हाइपरलिंक्स इन अ डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट के अंदर हाइपरलिंक्स इंसर्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की जो है वो यूज की जाती है। तो ऑप्शन गिवन थी कंट्रोल प्लस एच, कंट्रोल प्लस के, कंट्रोल प्लस एल, या इनमें से कोई ऑप्शन नहीं। तो जो इसका राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी, कंट्रोल प्लस के, ये शॉर्टकट की होती है जो हम हाइपरलिंक्स एक डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट करने के लिए जो है वो यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 था, कौन सी वो सूरत है जिसमें बिस्मिल्ला जो है का लफ्ज जो है वो दो दफा आया, ऑप्शंस गिवन थी सूरतुल नहल, सूरतुल नमल, सूरतुल नूर, सूरतुल आजाब। तो ऑप्शन जो थी, जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी, सूरतुल नमल, ऐसी सूरत है जिसमें बिस्मिल्लाह का वर्ड जो है वो दो दफा आया। क्वेश्चन नंबर 10 था, हाउ मेनी टाइम्स पाकिस्तान हैज बीन इलेक्टेड प्रीमियर ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑन ह्यूमन राइट्स, ऑप्शंस गिवन थे 3 टाइम, 4 दफा, 5 दफा, 7 दफा। तो जो राइट आंसर था वो है ऑप्शन सी, 5 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 11 था, विच इज द रेनियस्ट प्लेस इन पाकिस्तान, रावलपिंडी, क्वेटा, कराची, मरी। तो जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, मरी। क्वेश्चन नंबर 12 था, हाउ मेनी टाइम्स हैज ब्राजील वन द वर्ल्ड कप फुटबॉल चैंपियनशिप, ऑप्शंस थे 2, 3, 4, 5। तो जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 5 टाइम जो है वो ब्राजील ने फुटबॉल वर्ल्ड कप चैंपियनशिप जो है वो जीती है। क्वेश्चन नंबर 13 था, हु वाज द होस्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन मदीना, ऑप्शंस गिवन थी अबू अयूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत उबैद, हजरत मुसाब बिन उमर उमर, या नन ऑफ अबू। तो जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अबू अयूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हा। क्वेश्चन नंबर 14 था, ये कैपिटल पूछा हुआ था इन्होंने,
तो जो ये ऑप्शंस गिवन थी, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी बनता है। क्वेश्चन नंबर 15 था, इफ अ पर्सन हैज डैश कोड ज़कात इज पेबल, कितने तोला अगर किसी बंदे के पास सोना है तो उसके ऊपर ज़कात जो है वो फर्ज हो जाती है, 6.5 तोला, 7.5 तोला, 8.5 तोला या 52 तोला। तो जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, किसी शख्स के पास अगर 7.5 तोला सोना हो तो उसके ऊपर ज़कात जो है वो फर्ज हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 था, व्हेन वाज ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस प्रोमुलगेटेड इन पाकिस्तान। ऑप्शंस गिवन थी 1979, 1980, 81, 82। तो जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1980। नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान इज, पाकिस्तान का कौमी फूल कौन सा है, रोज, यासमीन, ट्यूब रोज, आलफ अबो। तो जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जासमीन। क्वेश्चन नंबर 18 था, अजान इज नॉट प्रोसीडेड बिफोर नमाज, कौन सी नमाज से पहले अजान जो है नहीं वो दी जाती, ईद उल फितर, ईद उल अजहा, या ये जो नमाज जनाजा होती है, या ये सारी ऑप्शंस ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ अबो ऑप्शंस आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 था, हाईएस्ट नॉन ऑपरेशनल मिलिट्री अवार्ड जो है वो कौन सा है, तमगा बसालत, तमगा इम्तियाज, तमगा खिदमत या प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का अवार्ड। तो जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, तमगा बसालत जो है ये वो मिलिट्री अवार्ड है जो अब नॉन ऑपरेशनल हो चुका है, वो ये सबसे हाईएस्ट अवार्ड था। क्वेश्चन नंबर 20 था, व्हेन वाज नवाज शरीफ फर्स्ट इलेक्टेड एज प्राइम मिनिस्टर, नवाज शरीफ जो है पहले दफा प्राइम मिनिस्टर जो है वो कब बने थे। ऑप्शंस गिवन थी, तो इसमें से जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी बनता है, 1990। क्वेश्चन नंबर 21 था, K2 इज प्रेजेंट इन विच माउंटेन रेंज, ऑप्शंस गिवन थी पामेर, हिंदू कश, कराक्रम, हिमालय। तो जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, कराक्रम। क्वेश्चन नंबर 22 था, लार्जेस्ट डैम ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम जो है वो कौन सा है, ऑप्शंस गिवन थी। तो जो इसका राइट आंसर बनता है वो है ऑप्शन डी, तरबेला जो है वो लार्जेस्ट डैम है पाकिस्तान का। क्वेश्चन नंबर 23 था, विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पीक जो है वो कौन सी है, ऑप्शन सी पामेर, राका पोशी, K2, नांगा पर्वत। तो जो राइट आंसर बनता है वो है ऑप्शन सी, K2 जो है वो हाईएस्ट माउंटेन है पाकिस्तान की और ये वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट पीक है। और लास्ट क्वेश्चन और 25 क्वेश्चन था, अ नमाज विच हैज 6 एडिशनल तकबीर ऑफर्ड, ऑप्शन सी ईद, नमाज जनाजा, जुमा प्रेयर या आलफ अबो। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ईद जो है वो ऐसी नमाज होती है जिसके 6 एक्स्ट्रा जो है तकबीर जो है वो अदा की जाती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।